नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई। पहली पारी में 369 रन बनाने वाली इंग्लैंड ने 172 रन की अहम बढ़त हासिल की। मेजबान ने दूसरी पारी में तेजी से रन बनाते हुए 2 विकेट पर 226 रन पर पारी घोषित कर वेस्टइंडीज के सामने 399 रन का लक्ष्य रखा। प्रदर्शन में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट क्रिकेट मैच में रविवार को मजबूत शिकंजा कस दिया। ब्रॉड ने पहली पारी में 31 रन देकर 6 विकेट लिए, जिससे इंग्लैंड ने तीसरे दिन सुबह के सीजन में वेस्टइंडीज को 197 रन पर आउट करके 172 रन की बढ़त हासिल की। मैच के चौथे और पांचवें दिन बारिश की भविष्यवाणी को देखते हुए इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 226 रन बनाकर समाप्त की और इस तरह से वेस्टइंडीज के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखा। बता दें, वेस्टइंडीज ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट देकर 10 रन बनाए और वो लक्ष्य से अभी 389 रन दूर हैं। ब्रॉड ने ये दोनों विकेट लेकर अपने कुल टेस्ट विकेटों की संख्या 499 पर पहुंचाई। रॉरी बॉन्स और डॉम सिबले ने पहले विकेट के लिए 114 रन जोड़कर इंग्लैंड को दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद कप्तान जो रूट ने 56 गेंदों पर नाबाद 68 रन की तूफानी पारी खेली, उन्होंने बॉन्स के साथ दूसरे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की। बॉन्स को स्पिनर रोस्टन चेस ने कैच कराया, जिसके तुरंत बाद रूट ने पारी समाप्त घोषित कर दिया। बता दें, इससे पहले जेसन होल्डर ने सिबले को आउट करके कप्तान के रूप में अपना 100वां विकेट हासिल किया था। बता दें, वेस्टइंडीज की शुरुआत भी पहली पारी में निवेश करने वाली रही और टीम के बेहतरीन बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट को आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया। वेस्टइंडीज के दूसरे ओपनर बल्लेबाज कैंप बेल 32 रन बनाकर कैच आउट हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।